फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो कि CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं और नेक्स्ट जो है इनका मेडिकल एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, तो यदि आप लोग भी CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के मेडिकल एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के जो मेडिकल एग्जाम का क्या प्रोसेस है A to Z जानकारी, जी हाँ A to Z जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका भी आप लोग को मेडिकल देना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंस नहीं है। जी हाँ, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि आप लोग मुझसे कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए मेडिकल के लिए एक अलग वीडियो भी बना के दे दूंगा। तो अब बात आती है मेडिकल एग्जाम की। जी हाँ, मेडिकल एग्जाम की बहुत से सब्सक्राइबर मेरे बोल रहे थे कि सर मेडिकल एग्जाम के बारे में बता दीजिए, यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसे ठीक कर लें। बिल्कुल ठीक, मतलब ऐसा कहना बहुत ही ठीक है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अभी टाइम मिला तो मैंने आप लोग के लिए वीडियो बना दिया। अभी काफी टाइम है आप लोगों के पास, अभी टेंशन मत लीजिए। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेडिकल के अंदर जो आप लोग ठीक नहीं कर सकते। जी हाँ, सब कुछ ठीक कर सकते हैं, बहुत टाइम है आप लोगों के पास, कुछ एक या दो चीजों को छोड़ करके। जी हाँ, जैसे कि आप लोग का कलर ब्लाइंडनेस वगैरह होता है, इसमें आप लोग कुछ नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। ऐसी एक आध चीज छोड़ के आप लोग एवरीथिंग ठीक कर सकते हैं मेडिकल के अंतर्गत। जी हाँ, मैं खुद आप लोगों को इस सब चीजों की जानकारी दे सकता हूँ, किसी भी प्रॉब्लम की जानकारी, चाहे वो आईज से रिलेटेड हो, टीथ से रिलेटेड हो, आप लोगों के पैरों की नसें चढ़ती हो, पैर फ्लैट हो, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की सभी की जानकारी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। पर इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अब बात आती है कि मेडिकल एग्जाम कैसे होता है ट्रेड्समैन का। तो मीन्स आप लोग मानिए कि आप लोगों ने रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों की लिस्ट आएगी मेडिकल के लिए, जी हाँ, आप लोग के CISF की वेबसाइट पे ही आप लोग की जो है जो एडमिट कार्ड जो है आप लोग के CISF के वेबसाइट पे ही आएंगे, वहीं से आप लोग को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है मेडिकल के लिए। जी हाँ, मेडिकल के लिए आप लोगों को डाउनलोड करना। मेडिकल कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये सारा का सारा डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। कहीं पे भी आप लोग के मेडिकल एग्जाम दिए जा सकते हैं, कुछ इसके लिए कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। मेडिकल एग्जाम की डेट आप लोग की आ गई, अब आप लोग मेडिकल एग्जाम के लिए पहुंच चुके हैं। जी हाँ, मेडिकल एग्जाम के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, मेडिकल एग्जाम में आप लोगों को 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। जी हाँ, प्रॉपर तैयारी के साथ आप लोग जाइएगा, 2 दिन तो आप लोग मान के ही चलिए, लेकिन 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। 2 से 3 दिन आप लोग के जरूर लगेंगे मेडिकल में। अब आप लोग का मेडिकल स्टार्ट है, ठीक है। तो मेडिकल स्टार्ट होने में सबसे स्टार्टिंग जो चीजें हैं वो है आप लोग कुछ इनिशियल मेडिकल्स लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग का कुछ लेबोरेटरी और कुछ एक्सरे से रिलेटेड जो है आप लोग का मेडिकल लिया जाता है, ठीक है। 1 by 1 मैं आप लोग को पूरी डिटेल दूंगा कि कैसे कैसे आप लोगों की क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले जो है आप लोग का जो नॉर्मली है आप लोग का हाइट, चेस्ट और जो आप लोग का वेट, जी हाँ, हाइट, चेस्ट और वेट, जो कि आप लोग पहले भी ट्रेड टेस्ट से पहले आप लोगों से जो नापा गया था हाइट, वेट और चेस्ट, बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोग का जो हाइट, वेट और चेस्ट लिया जाएगा। तो हाइट तो आप लोग की पूरी होगी, चेस्ट भी आप लोग की पूरी होगी यदि आप लोग ने PT PST क्लियर किया है, बट वेट में प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों को इतना टाइम मिला है, आप लोगों ने कुछ रेस्ट भी किया होगा, हो सकता है आप लोग का वेट ज्यादा ही गेन हो गया या फिर टेंशन की वजह से वेट आप लोग का काफी लो हो गया हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा वेट में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोग का हाइट, वेट और चेस्ट होगा। तो वेट जो होगा वो आप लोग के हाइट के अकॉर्डिंग होता है, मैंने आप लोग को पहले पिछले वीडियोज में आप लोग को बताया होगा। तो कुछ यदि मैं नॉर्मली पिछले वीडियो में मैंने इसकी डिटेल भी दी हुई है, यदि आप लोग को नहीं पता तो उसके लिंक मैंने दिए हुए आप लोग उसे देख सकते हैं। लेकिन मैं अगर नॉर्मली आप लोग को बताऊं तो 170 आप लोग का जनरल OBC और SC से हैं, तो इसके अलावा यदि आप लोग कुमायूं, गढ़वाली वगैरह इन सब जगहों से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग का जो है 165, और यदि आप लोग ST से हैं तो आप लोग का 162.5 जो आप लोग
62.5 आप लोग की हाइट है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग का वेट होना चाहिए। वेट अगर मैं आप लोग को नॉर्मली बताऊं तो हाइट में से यदि आप लोग 100 माइनस करते हो यानी कि 170 में से 100 माइनस करते हो तो 70 के आसपास आप लोग का होना चाहिए। 65, 70, 72, 73 मतलब एवरेज, मैं आप लोग को एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम क्लियर नहीं बता रहा। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, आप लोग को वेट के बारे में पता चल जाएगा। वेट ज्यादा या कम है तो उसे भी आप लोग ठीक कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग की चेस्ट, जैसा कि आप लोगों ने अपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, बिल भी उसी अनुसार आप लोगों का चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ होने के बाद आप लोगों को लेबोरेटरी टेस्ट, जी हाँ, लेबोरेटरी टेस्ट, एक्सरे टेस्ट के लिए लिया जाएगा, जहां पे कि आप लोग के ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे वगैरह लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग के कुछ मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आप लोग का ब्लड, यूरिन और एक्सरे वगैरह हो जाते हैं तो इनकी रिपोर्ट आने में कुछ समय लगता है, तो इसमें आप, इसके बाद आप लोग के जो है, इसके बाद पूरा मेडिकल का बाकी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो वन बाय वन में आप लोग को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस किस चीज की आप लोग की जांच होती है और किस किस चीज के लिए क्या क्या क्राइटेरिया। इसमें जो सबसे पहले है आई टेस्ट आप लोग का, जी हाँ, सबसे पहले मैं आप लोग को आई टेस्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट जाए या हो सकता है कुछ मेरे से छूट जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, मतलब आप लोग ब्लेम करने लगते हैं, ऐसा क्यों करते हो। हो सकता है भाई मैंने भी तो इसे अपनी मेमोरी से ही सोच के ही बनाया हुआ है, ठीक है, हो सकता है कुछ छूट जाए। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर बोलने में कभी कभी हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके बारे में भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, लेकिन आप लोग ब्लेम करते हैं, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहले आप लोग का आई टेस्ट, तो आई टेस्ट के बारे में मैं आप लोग को बताऊं। आई टेस्ट के अंतर्गत आप लोग का जो है, इसमें आप लोग की कलर ब्लाइंडनेस और इसके अलावा मायोपिया और हाइपरमेथ्रिया जो है आप लोग की चेक की जाती है, मीन्स दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष की जांच की जाती है। तो सबसे पहले जो है आप लोग का कलर ब्लाइंडनेस, जी हाँ, तो यदि आप लोग को कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस जो आप लोग की चेक की जाती है, कुछ आप लोग को गोले दिखाई जाते हैं, ठीक है, बबल्स वगैरह होते हैं उसमें, कुछ नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, तो आप लोगों को वो पढ़वाया जाता है। तो यदि आप लोग उसे क्लियर बिल्कुल साफ साफ पढ़ देते हैं तो यानी कि आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और यदि आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वो कुछ कुछ बुकलेट टाइप की होती है, ठीक है, उसमें कुछ पेजेस होते हैं, आप लोगों को बार बार उसे रिपीट किया जाता है, कई तरह से, कहीं पे धुंधले होते हैं, कहीं पे ज्यादा होते हैं, कहीं पे डार्क होते हैं, एक्चुअली इसमें जो है आप लोग की रेड एंड ग्रीन जो कलर्स होते हैं इसकी आप लोग की जांच की जाती है, तो इससे आप लोग कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो यदि आप लोग के आप लोगों में कलर ब्लाइंडनेस है तो आप ये मान के चलिए कि फिर आप लोग मेडिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे, जी हाँ, तो कलर ब्लाइंडनेस आप लोगों में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में बताऊं, तो इसमें यदि आप लोग 6x6 है आप लोग का विदाउट ग्लासेस बिना चश्मे के तो आप लोग बहुत ही बेस्ट है, यदि आप लोग 6x9 भी है तब भी आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसके अलावा जो है आप लोग की आंखों में किसी प्रकार का भेंगापन नहीं होना चाहिए, तो ये है, इन सब चीजों की जानकारी आप लोग की आई टेस्ट में ली जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का ईयर टेस्ट, जी हाँ, ईयर टेस्ट। तो ईयर टेस्ट के अंतर्गत मैं आप लोग को बताऊं, सबसे पहले तो आप लोग को अपने कान की सफाई करके जाना, जी हाँ, कान में किसी भी प्रकार की आप लोग की मैल नहीं होनी चाहिए, और कान में यदि कोई पर्दे वगैरह में, पर्दे में कोई डिफेक्ट है, छेद है, फटा या कुछ भी चीज है, तो आप लोग उस चीज का जो है इलाज करवा लीजिए, क्योंकि इन सब चीजों की जांच होती है। और इसके अलावा आप लोगों को जो है इसमें कुछ वॉल्यूम सुनवाई जा सकती है, मींस आप लोगों को हेडफोन दिया जा सकता है, आप लोगों को हेडफोन लगा के कुछ वॉल्यूम आप लोगों को सुनवाई जा सकती है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसकी वॉल्यूम आप लोगों को पता लग रही है नहीं लग रही, ठीक है, इस प्रकार की जांच भी आप लोगों से हो सकती है। तो ये आप लोग का जो है ईयर का टेस्ट होता है, तो ईयर जो है आप लोग का बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसके बाद आप लोग का नोज टेस्ट, जी हाँ, नोज टेस्ट में मैं आप लोग को बताऊं कि इसके अंतर्गत एक्चुअली ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे जो हैं रेस लगाते हैं या फिर बहुत ही फास्ट चलते हैं या फिर कभी कभार अपने आप ही उनके जो नाकों से खून आने लगता है, जी हाँ, नाक से ब्लड आने लगता है, ये इस प्रकार की जो बीमारी उनको नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो ये प्रॉब्लम है, आप लोग इसे ठीक कराइए मेडिकल देने से पहले, नहीं तो आप लोगों को फिर रीमेडिकल मिलेगा, और रीमेडिकल में भी यदि आप लोग नहीं होता तो फिर आप लोग को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कई बच्चों की जो नाक की हड्डियां बड़ी होती हैं, तो ये भी एक सही चीज नहीं है इस मेडिकल के लिए, ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग की नहीं होनी चाहिए। नोज के अंतर्गत यही चीजें आती है, और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज आप लोग की नोज भी साफ होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग आईज, नोज, टीथ, ये सब चीजें आप लोग बिल्कुल साफ करके ही जाएंगे, ठीक है।
और इसके बाद जो बारी आती है वो है आप लोग की टीथ टेस्ट। जी हाँ, टीथ टेस्ट। तो इसमें टीथ की भी आप लोग की जांच होगी, आप लोग के दांतों को देखा जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज दांतों में क्या देखा जाएगा, तो दांतों में मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहली चीज तो आप लोग के दांतों में किसी भी प्रकार के कोई इन्फेक्शन, कोई कीड़ा या फिर इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यदि आप लोग में ऐसा कुछ है तो आप जल्द से जल्द उसे सफाई करवा लीजिए, उसे ठीक करवा लीजिए। दांतों में पीलापन नहीं होना चाहिए, कालापन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के दांत आप लोग के नहीं होने चाहिए। किसी प्रकार की ऐसी कोई दुर्गंध ना हो कि मतलब जो इन्फेक्शन की वजह से हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ टीथ वगैरह को भी नोट किया जाता है। जी हाँ, ये कुछ डॉक्टर, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर दांतों में देखा क्या जाता है। तो दांतों के अंदर मैं आप लोग को बताऊं कि इसके अलावा दांतों को देखा जाता है। जी हाँ, मींस कितने दांत जो है आप लोग के माउथ में गायब है। मींस यदि दो दांत आप लोग के गायब है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो से ज्यादा गायब है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। यदि फ्रंट के दो दांत आप लोग के गायब है तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। और इसके अलावा यदि आप लोग के दो दांत टूटे हुए हैं तो इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। दो से ज्यादा दांत टूटे हुए हैं तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग को रीमेडिकल मिल सकता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है आप लोग की दांतों के अंदर देखी जाती है। इसके अलावा दांतों में कितना गैप है, कहीं दांतों में ऐसा तो नहीं है कि एक दांत के बराबर गैप है और दो दांत आप लोग के टूटे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है दांतों की काउंटिंग की जाती है इस, और यही चीजें वो डॉक्टर देखते हैं और काउंट करके आप लोगों का रीमेडिकल या फिर आगे का जो प्रोसेस होता है उसके लिए आप लोग को बताया जाता है। ठीक है, तो ये दांतों का प्रोसेस है। दांतों को साफ जरूर करा लीजिएगा। दांतों को सफाई से पहले मैं आप लोग को बताऊं, किसी भी प्रकार का यदि आप लोग गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू वगैरह पीते हैं तो यार ये सब चीजें बंद कर दीजिए, क्योंकि यदि आप लोग सिगरेट पीते हैं तो दांतों का पीलापन आप लोग का नहीं जाएगा। पीलापन हटाना बहुत जरूरी है, तो आप लोग सिगरेट बंद कर दीजिए। यदि आप लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं तो ड्रिंक भी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके ब्लड जांच में भी आप लोग का आ सकता है, ये आप लोग को प्रॉब्लम कर जाएगी। तो ये चीजें आप लोग को बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यदि दांत पीले हैं, काले हैं, तो उसको जल्द से जल्द आप लोग सफाई करा लीजिए। हो सके तो एग्जाम से 15 दिन पहले आप लोग सफाई करा लीजिए, ताकि जो आप लोग के दांत बिल्कुल सोने जैसे, मोती जैसे चमके। ठीक है, तो सफाई बहुत जरूरी है और इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बारी आती है वो है आप लोग की नीनॉक की। जी हाँ, नीनॉक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ये है आप लोग की घुटने, जो घुटने आप लोग के सटते हैं, जब आप लोग चलते हैं तो घुटने आप लोग के सट रहे हैं, या फिर आप लोग स्ट्रेट खड़े होते हैं तो आप लोग देखते होंगे नीचे पैर आप लोग के सटे हैं तो घुटने भी बिल्कुल सटे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग को रीमेडिकल दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यदि आप लोग की ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अभी से आप लोग इसका इलाज कराइए, आप लोग डॉक्टर से मिलिए, इसका इलाज होता है। ये कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग साइकिलिंग कीजिए, और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती है जिनके बारे में आप लोग को बता सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। यदि आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं आप लोगों को इसके बारे में जरूर बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग डॉक्टर से जरूर मिल लीजिए यदि आप लोग के नीनॉक की प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा जो है वेनिस आउट की प्रॉब्लम, मींस जो आप लोग की नसें दिखाई जाती है पैरों में। जी हाँ, पैरों में नसें दिखती रहती हैं, जब आप लोग चलते हैं या फिर बैठे हैं तो आप लोग के पैरों की नसें दिखती रहती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी नहीं होनी चाहिए। तो यदि आप लोग को इसकी प्रॉब्लम है तो इसको भी आप लोग ठीक कीजिए, इसकी भी आप लोग डॉक्टरी जांच कराइए। ये सारी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जिसे कि आप लोग ठीक नहीं कर सकते। तो यदि आप लोग को नसों की प्रॉब्लम है तो इसको भी आप लोग चेक करवाइए। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो फ्लैट फुट की। जी हाँ, फ्लैट फुट यानी कि जो पैर होते हैं वो आप लोग के बिल्कुल समतल होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पैर बिल्कुल शेप में होने चाहिए तो ही आप लोग जो है मेडिकल क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि ऐसा कुछ है तो आप लोग इसकी इसका इलाज कराइए। ये भी सब चीजें जो ऐसी हैं, ये सब चीजें ठीक हो जाती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बताऊं, जूतों का ज्यादा प्रयोग कीजिए। मींस यदि आप लोग रनिंग करते हैं मॉर्निंग में तो जूतों का ही यूज कीजिए, स्पोर्ट्स शूज का यूज कीजिए, नंगे पैर मत दौड़िए। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं जो कि पैरों के पैरों को बैलेंस करता है। ठीक है, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मेरे पास सब चीज का इलाज है। जी हाँ, हर चीज का मेरे पास इलाज है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप लोग की पाइल्स। जी हाँ, पाइल्स की प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे कि हम हिंदी में बवासीर बोलते हैं। तो यदि आप लोग के पास को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो अभी आप लोग के पास बहुत टाइम है, पाइल्स की प्रॉब्लम को भी आप लोग ठीक करा लीजिए। बहुत बड़ी बीमारी नहीं है ये, पाइल्स का इलाज होता है, बहुत अच्छे से होता है। यदि आप लोग जो एलोपैथी में नहीं है तो आयुर्वेद में इसका इलाज पूरा 100% इसका इलाज आप लोग का जो है इसमें आयुर्वेद में मिल जाएगा। तो आप लोग पाइल्स का इलाज करा के जाइएगा, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी।
वैसे मैं भी आप लोग को जो 15 से 20 दिन के अंदर ही आप लोग के पाइल्स का इलाज करवा सकता हूँ। जी हाँ, ऐसी मेरे को जानकारियां हैं, ठीक है। यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। इसके बाद आती है बारी ब्लड टेस्ट की। जी हाँ, ब्लड टेस्ट में जो आप लोग का ब्लड टेस्ट हुआ है उसके अंतर्गत क्या चीज देखी जाती है, इसके अंतर्गत आप लोग को जो है पीलिया वगैरह, ठीक है, शुगर वगैरह देखी जाती है। शुगर वगैरह तो नहीं बढ़ा हुआ है, पीलिया तो नहीं है, और इसके अलावा ड्रग्स, जी हाँ, ड्रग्स की मात्रा भी चेक की जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, यदि आप लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं तो बिफोर 1 मंथ यानी कि टेस्ट से 1 मंथ पहले ही आप लोग ये सब करना बंद कर दीजिए। और मेरा तो ये कहना है कि आप लोग इसे हमेशा के लिए ही बंद कर दीजिए, ठीक है। तो यदि आप लोग इस जो आप लोग के ब्लड में ड्रग्स की मात्रा पाई जाती है तो ये आप लोग के लिए प्रॉब्लम कर सकती है मेडिकल में। इसके बाद नेक्स्ट है बीपी। जी हाँ, बीपी भी आप लोग का चेक किया जाएगा। तो बीपी जो है आप लोग का 80 से 120 के बीच में ही होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है आप लोग का जो बीपी अप या डाउन रहता है, और बहुत ही ज्यादा रहता है, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा बीपी अप एंड डाउन होता है, तो आप लोग को रीमेडिकल मिल सकता है, रीमेडिकल में आप लोग ठीक कर लेंगे, ठीक। यदि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि पहले तो टेंशन कम लीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा योगा वगैरह कीजिए, आसन वगैरह कीजिए, इससे आप लोग का बीपी जो है बिल्कुल लेवल में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग की, और ना ही होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग का बैकबोन देखा जाएगा। इसके अलावा जो मैंने आप लोग का यूरिन टेस्ट बताया था, ठीक है, उसमें आप लोग की जांच की जाएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का टैटू। यार, टैटू से बहुत लोग परेशान है और इतने मैसेज मेरे को भी आ जाते हैं, मेरे यहाँ पे टैटू, वहां पे टैटू। तो देखो, मैं तो सबसे पहले आप लोगों से यही कहूंगा सर, यदि आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आर्मी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, जब आप लोग डिफेंस में ही जाना चाहते हैं तो ये टैटू आप अपने शरीर पे क्यों लगा रहे हो? 2-4 साल आप लोग टैटू मत लगाइए, अपने शरीर पे क्या प्रॉब्लम है? आप लोग परेशान रहते हैं, मेरे राइट हैंड पे है, मेरे लेफ्ट हैंड पे है, मेरे इनर हैंड पे है, मेरे पेट पे है, मेरे पीठ पे है, यार इससे क्या फायदा? तो ये चीजें आप अगर ऐसा है तो आप लोग हमेशा के लिए हटा दीजिए, परमानेंट इसे हटा दीजिए, टेंशन ही खत्म हो जाएगी आप लोग के लिए। लेकिन मैं फिर भी आप लोग को बता दूं, यदि टैटू है आप लोग को बहुत ज्यादा प्रिय है तो राइट हैंड में आप लोग के टैटू नहीं होना चाहिए। जी हाँ, छोटा बड़ा कोई आपसे बोले कि इतना छोटा इतना बड़ा कंधे के ऊपर, हैंड के ऊपर, मेरा ये मानना है कि आप लोग के राइट हैंड में टैटू होना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, राइट हैंड में टैटू नहीं होना चाहिए। और यदि बाकी इनर प्रॉब्लम इनर है कहीं पे तो कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन जो साइज है उसका 1/4 से ज्यादा आप लोग का साइज नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। बट आप लोग का राइट हैंड में नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज में नहीं होना चाहिए कि जो कि आप लोग को शो हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बट मेरा यही मानना है कि आप लोग टैटू हटवा ही दीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आप लोग का मेडिकल में। जी हाँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यदि कुछ छूट गया हो तो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं आप लोग उसका भी आंसर दे दूंगा। और चाहे आप लोग ट्रेड्समैन के एग्जाम दे रहे हो, चाहे हेड कॉन्स्टेबल के लिए एग्जाम दे रहे हो, दोनों के लिए ही बिल्कुल सुटेबल ये जो मैंने बताया ये मेडिकल यही होने वाला है, बिल्कुल इसी तरह मेडिकल होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी प्रॉब्लम है आप लोग उसे दूर कर लीजिए, दांतों से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, नाक, कान, गला, जो भी है सब कुछ ठीक कीजिए। सबसे बड़ी चीज, आप लोग नहा के धो के बिल्कुल स्वच्छ होके जाएंगे, बाल वगैरह जो भी बिल्कुल साफ सूफ, नाक साफ, कान साफ, दांतों को बिल्कुल जैसा मैंने आप लोग को बताया 15 दिन पहले आप लोग साफ कर लेंगे, ठीक है, उसे बिल्कुल डॉक्टर के पास जाके साफ करवा लेंगे। यदि नसों की प्रॉब्लम है, नौकनी की प्रॉब्लम है तो आप लोग डॉक्टर से अभी मिल लीजिए, किस प्रकार से इसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोग को, बहुत ही बढ़िया टेस्ट, बिल्कुल विदाउट टेंशन जाइए, मैं आप लोग के साथ हूँ, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम मुझे बताते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, बट जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो लाऊं तो आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन आए और मैं आप लोगों से इसी प्रकार जुड़ा रहूं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट कीजिए, कोई भी न्यू वीडियो बनाना हो तो कॉमेंट कर दीजिए, अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद, लेकिन आप लोग को वीडियो जरूर मिलेगा। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू।